वीडियो अपलोड करने के लिए। स्ट्रगल इज रियल बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो व्लॉग है, आज का नहीं यानी कि कल का जो व्लॉग है, उसको डालते डालते शाम हो चुका है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आज सुबह से बहुत ही बुरा चल रहा है। तो मैं अपने छत पे आया हूँ, अपने अपार्टमेंट के छत पे, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है। तो क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है तो चार फ्लोर चढ़ के आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। स्ट्रगल इज़ रियल बॉस। और सूरज डूबने का टाइम हो रहा है, यानी कि अभी वैसे वक्त है, अभी अप्रोक्सीमेटली 5:30 के आसपास बज रहा होगा। और अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना लेट हो गया है पिछला व्लॉग अपलोड करने में, यानी कि अब ये वाला व्लॉग 13 है। व्लॉग लेट आने का रीज़न ये है कि जैसे अब यूट्यूब में जैसे मोनेटाइजेशन जब से चालू हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, तो मोनेटाइजेशन वाला टैब जो रहता है वो मोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। और यूजुअली जब यूट्यूब जिसका मोनेटाइज नहीं रहता है उसमें डिटेल्स, उसमें सिर्फ दिखाएंगे डिटेल्स, उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स एंड देन विजिबिलिटी, तीन चीज़ बस रहते हैं। मोनेटाइजेशन चालू होने के बाद ये तीन चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, जैसे कि मोनेटाइजेशन, एड सुटेबिलिटी एंड चेक। चलो अब वीडियो अपलोड का प्रोसेस ही दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है। एक व्लॉग अपलोड हुआ है कि नहीं, दूसरा व्लॉग मैं चालू कर दियो। अरे वो तो बोलना ही भूल गया, अपना टैग लाइन स्टार्ट करते हैं वापस से। सो हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असकम व्लॉग, स्वागत है बंदा आपकी खिदमत में विद दिस सनशाइन। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, व्लॉग नंबर 13, द री व्लॉग चैलेंज। तो भाई मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि मोनेटाइजेशन होने के बाद वीडियो अपलोड का जो प्रोसेस रहता है वो कैसे यूज़ होता है। मोनेटाइजेशन वाला टैब जैसे ही मैं दबाऊंगा, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, यानी कि ये चेक होने में ही मेरा जो वीडियो रहता है, अगर वीडियो में कुछ भी ऐसा एलिमेंट यूज़ कर लिया हूँ जिसमें या तो बच्चा है या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपत्तिजनक हो सकती है, एक सेकंड, वो सारी चीज़ें मैं चेक्स में काफ़ी टाइम लगाता हूँ। जैसे कि देखो आज का व्लॉग लेट तो ऑलरेडी आ रहा है और इन लोग चेक करने में इतना टाइम लगा रहे हैं कि मैं दिखाता हूँ। ये देखो, चेक्स आर स्टिल रनिंग, दे आर टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी मैं डालता था पहले व्लॉग 11 बजे, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ 12 बजे, फिर डालता हूँ 2 बजे, फिर डालता हूँ 4 बजे। एंड आज का टाइम कितना हो रहा है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आज का टाइम अगर विजिबल होगा तो मोबाइल में देख लो यार, 5:42, और अभी तक आज का व्लॉग नहीं डाला है। मतलब 11 बजे से स्विच हो गया हूँ मैं 6 बजे में, और 6 बजे भी ये व्लॉग कन्फर्म हो पाएगा कि नहीं कतर पता नहीं, क्योंकि देखो दे आर टेकिंग यूजुअल देन एक्सपेक्टेड। अरे भाई कुछ गलत चीज़ें अपलोड नहीं करते हैं, एक क्रिएटर जब अपलोड करना स्टार्ट कर देता है तो गलत अपलोड नहीं करेगा, अगर वो पहले के उसके पास्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड उनको देख के करना चाहिए। हो सकता है कि मेरा इंटरनेट भी ख़राब हो, ये भी हो सकता है, यही एक रीज़न है कि मैं आज छत पे आके अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो पहला ये होता है मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन में चेकिंग है, इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक आता है ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे सबमिट रेटिंग होगा, इसको हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है चेक्स, चेक्स में देखो स्टिल चेकिंग, एंड देन होता है विजिबिलिटी। उसके बाद विजिबिलिटी दबने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पब्लिक, एंड देन वी हैव टू पब्लिश द वीडियो। तो ये भाई इतना लंबा प्रोसेस है, अब इतने छत पे आए हैं तो थोड़ा ऊपर का थोड़ा सीन देख लेते हैं, तब तक वो चेक हो रहा है। तो यार इससे पहले जो आप लोग देख रहे थे टाइम लैप्स, पता नहीं टाइम लैप्स क्लियर आया होगा कि नहीं, क्योंकि गोप्रो से दूर शूट करने में काफ़ी दिक्कत होता है, मतलब कि अपने अपार्टमेंट के छत पे यूजुअली आता नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो जाता है आए हुए, लेकिन जब भी आता हूँ काफ़ी सुकून लगता है, क्योंकि कभी कभी आता हूँ, डेली कोई भी चीज़ को आप करोगे तो उस चीज़ में बोर हो ही जाता है इंसान। इतना टाइम हो गया यार, दे आर स्टिल लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है क्योंकि वीडियो अपलोड होने में ही 4 घंटे लग गए, ऐसे वीडियो भी थी 4 GB की फाइल थी वो, तो उसको 4 घंटे लग गए अपलोड करते करते। तो अब विदाउट मोनेटाइजेशन मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, उसका उससे एक मेरा डीमेरिट ये होता है कि शुरू के 50-60 या मतलब शुरू के मतलब जितने भी मिनट्स रहते हैं उस मिनट्स में एड्स नहीं आते हैं, 1 या 2 घंटे के बाद लोग देखेंगे तब मेरे को पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को जल्दी से जल्दी अपलोड करना है, जितना वेट करना था हम लोग कर दिए, तो आपके सामने आप पब्लिश कर देता हूँ। चलो ये हो गया पब्लिश,
ये हो गया पब्लिश। 5:48 पे ब्लॉग पब्लिश हो रहा है। अगर बहुत दूर आप लोग देखोगे तो इस कैमरे में विजिबल नहीं है, वो इस कैमरे में विजिबल नहीं है, लेकिन जो पहाड़ था, एक वीडियो था दल्हा पहाड़ वाला, दल्हा पहाड़ जो ट्रैक किए थे हम लोग, काफ़ी अच्छा ट्रैक था, मज़ा आ गया, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनी थी, उसको मैं आई बटन में डाल देता हूँ, उसको ज़रूर देखना, अच्छा वीडियो था ना वो, मेरा रिकमेंडेशन है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, वीडियो अपलोड हो गई है, स्टिल चेक्स आ रहा नहीं, ये देखो, ये जब तक चेक्स चलते रहते हैं तब तक एड्स नहीं आते, तो शुरू के जितने भी व्यूवर्स हो, जो मेरे काफ़ी खास सब्सक्राइबर होंगे, जो शुरू के व्यूवर्स होंगे, इसीलिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि एड्स क्यों नहीं आ रहे हैं शुरू में, जो खास हमारे जो सबसे पहले देखते हैं, तो ये बात है। तो चूंकि मैं डेली व्लॉग चैलेंज का शुरुआत किया था, डेली व्लॉग में चैलेंज में सिर्फ डेली व्लॉग्स नहीं है, इसमें चैलेंज भी हैं, डेली व्लॉग्स चैलेंज, चैलेंज ये है कि आपका भाई फोर्थ फ्लोर पे आके वीडियो अपलोड्स कर रहा है। ऑल राइट, तो वीडियो अपलोड हो गया है। वीडियो अपलोड होने के बाद जब मैं नीचे आया तो मैं सोचा था 15-20 का ब्रेक ले लूँगा, लेकिन उन 15-20 के ब्रेक में ही पूरा अंधेरा हो गया। अभी आप लोग को देख ही सकते हो कि सब मेरे सामने की ऑलमोस्ट सूरज तो ढल चुका है। मैं डाल रहा था वीडियोस 11 बजे, उसके बाद डालने लगा 2 बजे, उसके बाद डालने लगा 4 बजे, ऐसे नहीं करना। हम लोग को वीडियोस डालना है 11 बजे टू 11 बजे। लेकिन बीच में जो मैंने ट्रैवल चालू किया था 4 दिन के लिए, जब मैं यूपी गया था, उस टाइम मेरे से हो गया था ये टाइम ब्रेक, और ये टाइम ब्रेक एक एक घंटा डिले होते गया ड्यू टू ट्रैवल। कंटिन्यूसली 11 बजे अपलोड करना काफ़ी मुश्किल था, तो हमने अपलोड किया वीडियोस एक एक घंटे बाद या जैसे भी हो रहा था, नेट कनेक्शन के ऊपर था, उस हिसाब से हम लोग वीडियोस को अपलोड कर रहे थे। ओहो भाई साहब, पता नहीं आप लोग को वो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है कि नहीं, क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है लेकिन फिर भी अंधेरा नहीं हुआ है, तो वो जो बीच की जो वो ऐसा वाला टाइम रहता है ना, इस टाइम पे या तो सूरज पूरा नहीं डूबा रहता है, आधा दिन रहता है आधा रात रहता है, वही वाला मोमेंट चल रहा है, और एकदम मस्त बढ़िया से सीन दिख रहा है एकदम हम लोग। और राइट, मैं बाहर गया हुआ था, घर के थोड़े सामान लेने जाने थे, तो इसी बहाने मैं सोचा कि थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग कर लूँगा, ज़्यादा नहीं डाला, हमें पिछले ब्लॉग की तरह ज़्यादा नहीं डाला, उसके लिए अगर पिछले ब्लॉग में आप लोग जितने भी लोग डिसलाइक किए थे उसके लिए सही दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और कल से टाइम का थोड़ा पाबंद बनने का कोशिश करेंगे, या तो 11 बजे या तो 2 बजे, उससे लेट करने का नहीं कोशिश करेंगे। एंड दूसरा चीज़ ये, जितने भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, कैसे मतलब चैनल में चेंजेस आते हैं, ये क्या आते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आज तो मैं दे दिया। एंड जो मेरी व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल गया होगा कि भाई कितना दर्द रहता है एक वीडियो अपलोड करने में। अलविदा शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज असिकम व्लॉग्स, एंड सी यू अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो ब्रो। तो जो इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, और इस वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाना। 11 बजे या फिर 2 बजे वाले टाइमिंग पे, तो फिर मिलते हैं कल।